प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश अवार्ड आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। परंपरागत वैदिक धर्म जिसमें परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता है, ये वेदों पर आधारित धर्म है जो अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन धर्म है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म अर्थात सनातन धर्म ही सत्य है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा वही सनातन या शाश्वत है। जिनका न प्रारंभ है और जिनका न अंत है उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। एकनिष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व है सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ यह और तत का अर्थ वह, दोनों ही सत्य है। अहं ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती, वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। जो तत्व सदा सर्वदा निर्लेप निरंजन निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्मर और गीता का स्थितप्रज्ञ यही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि व ईश्वर अनादि अनंत सनातन और सर्वविभू हैं। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। ब्रह्म महाकाश है तो आत्मा घटाकाश। आत्मा का मोक्ष परायण हो जाना ही ब्रह्म में लीन हो जाना है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। यही सनातन सत्य है और इस शाश्वत सत्य को जानने या मानने वाला ही सनातनी कहलाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम न होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है, अर्थात जो मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य का अर्थ चार श्रेष्ठ सत्य ही होता है। बुद्ध कहते हैं कि उक्त श्रेष्ठ व शाश्वत सत्य को जानकर अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना ही एस धम्मो सनातनो, अर्थात यही है सनातन धर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है। यह संपूर्ण जगत माया के अधीन ब्रह्मपूर्ण है। ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने का कोई उपाय नहीं। ब्रह्म के प्रति ही समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्मर्षि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहते हैं। सनातन धर्म में व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से अलग अलग धार्मिक कृत्य बताए गए हैं। सबसे प्रारंभिक स्तर के व्यक्ति के लिए कर्मकांड है। मूर्ति पूजा है जिसमें वो ईश्वर के प्रति एकाग्र होकर समर्पण सीखता है। ऊपरी स्तर वालों के लिए उपासना, ध्यान, ज्ञान आदि है। हर व्यक्ति का मूल स्वभाव होता है जो प्रकृति प्रदत्त है। वह अपने मूल स्वभाव के अनुरूप कार्य को ही सर्वाधिक कुशलता से कर सकता है। सनातन धर्म में व्यक्ति के मूल स्वभाव को पहचान कर उसे शिक्षा, राजकाज, वाणिज्य व्यवसाय या सेवा का कार्य सौंपने की व्यवस्था है। इसी प्रकार मनुष्य की वृत्ति समय समय पर बदलती रहती है। कभी सात्विक होती है, कभी राजसिक तो कभी तामसिक। अलग अलग समय पर व्यक्ति में अलग अलग तत्व प्रबल होते हैं, परंतु सामान्यतः इनमें कोई एक प्रधान रहता है।
तामसिक को राजसिक से होते हुए सात्विक वृत्ति तक ले जाने और फिर उसके भी पार जाने का रास्ता सनातन धर्म बताता है। सनातन धर्म एक रहस्य है, संवेदना है, संवाद है और आत्मा की खोज है। सनातन धर्म स्वयं की खोज का नाम है। जब भी हम सनातन धर्म कहते हैं तो यह ध्वनित होता है कि कुछ है जिसे जानना जरूरी है, कोई शक्ति है या कोई रहस्य है। सनातन धर्म है अनंत और अज्ञात में छलांग लगाना। सनातन धर्म है जन्म मृत्यु और जीवन को जानना। प्रिय मित्रों, सनातन धर्म ज्ञान का अथांग सागर है जिसे शब्दों में परिभाषित करना काफी मुश्किल है। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हमने घाघर में सागर भरने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।